मानसून की शुरुआत में ही अच्छी वर्षा हो रही है। शुक्रवार को भी सुबह वर्षा शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक होती रही। तड़के से ही काली घटाएं छाई हुई थी। बौछार शुरू हुई और बाद में मध्यम स्तर की रिमझिम वर्षा होती रही। इससे गर्मी कम हुई। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। वर्षा होने से हर आते जाते व्यक्ति भीगे। किसी ने पेड़ का सहारा लिया तो कोई टीन शेड के नीचे खड़ा दिखा। रेनकोट छाता लेकर भी कामकाजी लोग निकले। इसके साथ ही वर्षा से शहर में कई जगह जलभराव हो गया। वर्षा की वजह से बाजार में भी सन्नाटा पसरा रहा। वर्षा थमने के बाद लोग खरीदारी को निकले। गंज बाजार, टाउन हॉल, जीएमडी रोड, बुद्ध बाजार, कचहरी रोड, मंडी चौक, बर्तन बाजार, दीवान का बाजार, लाइन पार, नवीन नगर समेत सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बारिश के चलते बुद्ध बाजार में दुकानों के आगे पानी भरा रहा, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानी हुई। दुकानदारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो नाले की खुदाई हुई थी उसको अभी तक सही नहीं किया गया और न ही पानी की निकासी की गई। ये बारिश का पानी है, नाला यहाँ पे है नहीं और ये शाम तक ऐसी रहेगा, शाम या रात तक निकलने की इसकी कोई वो नहीं है कि कहाँ से निकलेगा। ये इसका पानी है इसको पता नहीं है। देख लीजिए, मेरी दुकान है, पीछे होटल है, ये शाम तक कोई ग्राहक नहीं आएगा, शाम या रात तक ये पानी ऐसी रहेगा। ये कौन सी जगह है? ये बुद्ध बाजार मेन मार्केट है, ये बुद्ध बाजार की अब बनाना चाह रही है। अच्छी बात, लेकिन काम स्पीड में करें थोड़ा। ये 6 महीनों से ऐसी है, 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए। ये कभी हैंगिंग लगा दिए, ऐसी हैं, अभी तक कोई काम नहीं बस के आ गया। आप खुद देख ही रहे जो हो रहा है। हाँ जी, रोड चलती है, बीच में गड्ढे हैं, कभी बाइकें गिर भी जाती हैं, बहुत परेशानी है। ये स्कूल है, यहाँ पे 3 स्कूल है, हिंदू कॉलेज, SSK कॉलेज, ये सब स्कूल ही हैं। और चलते फिरते बहुत बढ़िया रोड है, एकदम चलते हो। राय को पानी भी आता है, बहुत आता भी है। दुकान में अंदर दुकान में पानी भर जाता है।